नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश। आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग एनटेक। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ दिलिंक ADSL2 राउटर की, जो कि मैंने अमेज़न से बुलाया। ये है बजट 2। तो चलिए फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये है पार्सल। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, ये है बॉक्स राउटर का। हम इसकी कवरिंग निकाल लेते हैं। गाइस, ये है वायरलेस N300 ADSL++ राउटर। ये 5G का लॉन्ग रेंज एंटीनास, 4000 वोल्ट लाइटनिंग प्रोटेक्शन। फाइनली गाइस, ये है हमारा राउटर। बड़े अच्छे पैकिंग में आया है, बबल पैकिंग में। सो गाइस, दिस इज द राउटर। और ये है 5G वे लॉन्ग रेंज एंटीनास। और ये है कुछ, ये आपको बता दें कि आपके राउटर में क्या चालू है। ये है पावर सप्लाई, यहाँ से आपका पावर सप्लाई होगा। और ये है 4 पोर्ट्स, यहाँ से आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। ये है DSL पोर्ट, यहाँ से आपकी लाइन आएगी DSL की कौन सी भी। और पीछे वैसे ही कोड वगैरह दिया है कुछ D-Link। और ये है यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 192.16.1.1। गाइस, अब इसे साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। मुझे तो लगता है ये एडवर्टाइजिंग है। और ये है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, पेपर वर्क कुछ। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो इसे जरूर पढ़ लीजिए। और ये बहुत सारे पेपर वर्क है, मुझे रखते साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। और गाइस, ये है लाइन, ये सीधे स्पीटर से जाके आपके राउटर में जाएगी। और ये है गाइस स्पीटर, यहाँ से आपकी लाइन आएगी BSNL की, सच एज BSNL। और यहाँ से आपका लैंडलाइन में जाएगा और यहाँ से मॉडेम में जाएगा। और गाइस, ये है पावर एडाप्टर। मैंने आपको बताया था कि इसकी पिन राउटर के पीछे लगेगी यहाँ पे। और ये है लैन केबल और इथरनेट केबल। ये इसे इस पोर्ट से आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे लगा सकते हैं केबल। और बाकी कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। और गाइस, इसका मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कॉन्फ़िगरेशन का, और इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।